तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सुब्बू का चैनल। तो गाइस आज मैं निकला हूं मार्केट जाने के लिए। अभी मैं यहीं भिलाई में हूं और 3 बजे से घर से निकला हूं। धूप बहुत ज़्यादा था, गर्मी के कारण हालत ख़राब हो गया। पापा के साथ बैंक गया था तो वहीं बैंक के बाहर हेलमेट लगा के खड़े खड़े हालत ख़राब हो गया। तो अभी उनको घर छोड़ के मैं अकेले निकला हूँ। क्या उनके साथ व्लॉगिंग करने में थोड़ा दिक्कत था। मार्केट भीड़ होने वाला है और इसी के साथ हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पिछली बार आया था तो मंडे के दिन आया था, जिस दिन यहाँ का मार्केट बंद रहता है, तो उस टाइम मुझे मिला नहीं था। तो अभी फिर आया हूँ मैं। तो गाइस गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, हालत ख़राब हो जाता है 2 मिनट लगा के रखो तो। तो अपन लेते हैं थोड़ा सा मार्केट रिएक्शन, फिर चलते हैं हेलमेट शॉप। अभी गाइस बैंक गया था तो बाहर में ही था, धूप में आधे घंटे लगाने के बाद मेरा बाल पूरा गीला हो गया था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। अभी भी अगर वाइज़र नीचे कर दूं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन विंड नॉइज़ हवा वाला साउंड बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए वाइज़र नीचे करके ही चलाना पड़ता है। आई होप कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा हो, क्योंकि मैं जो अपने आँखों से देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी वाला रिएक्शन आ रहा है। तो जो मेरी आँखों पे दिख रहा है वो कैमरे पे भी दिख जाए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे, फ्लाईओवर बन रहा है तो यहाँ से सुपेला तक का ऐसे मिलने वाला है। क्राउडी और ट्रैफिक, कोई नहीं, धीरे धीरे ही चलते हैं। तो गाइस आपको अभी दिख रहा होगा दूसरा गाड़ी, ये मेरी भैया की बाइक है। तो आज मैं इसी में अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरी बाइक घर पे रखी हुई है। क्या है वो है 100cc की स्प्लेंडर और ये है सीबी साइन। इसमें थोड़ा पावर ज़्यादा है लेकिन ब्रेकिंग प्रॉब्लम है, इसमें ब्रेक इतने अच्छे हैं नहीं इसके, जिससे मैं कंफर्टेबली स्पीड कर पाऊँ। साइड से ही चलते हैं, हमारा दुकान यहीं कहीं होने वाला है। तो यहाँ पे पता कर लेता हूँ गाइस, अगर नहीं मिलेगा तो एक और शॉप है तो वहाँ पता करना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको देखने के बाद। तो गाइस मुझे तो यहाँ मिला नहीं, मुझे जो चाहिए वो हेलमेट तो मुझे यहाँ नहीं मिल पाया। देखते हैं एक और जगह, अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, या तो फिर अगर कुछ दूसरा पसंद आ जाए सेम में तो वो भी देखते हैं। मुझे चाहिए था वेगा बोल्ट बनी मॉडल, तो मुझे एक जगह और पता है, वहाँ पे भी जाके देखता हूँ मैं। ट्रैफिक बहुत रहता है यार यहाँ पे,
यहीं पे कहीं पे था वो शॉप। एक ही बार आया हूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि शॉप कहाँ पे है, शायद आगे है, आई थिंक आकाशगंगा के पास है। तो ये है अपना भिलाई नगर निगम, मैं सुपेला पहुँच गया, बस अब शॉप ढूंढते हैं फिर पता करते हैं वहाँ पे अपना सामान मिलता है कि नहीं। मुझे रास्ते इतने जल्दी याद नहीं रहते, वो दिक्कत है, भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे क्या था। ढूंढते हैं शॉप कहाँ पे है, मुझे यहाँ शॉप नहीं मिल रहा है, शॉप मिलने में बहुत दिक्कत है। मिल गया मिल गया, मुझे शॉप तो मिल गया। ये रहा अपना शॉप, यहाँ पे पता करते हैं मिलता है कि नहीं तो फिर यस यहाँ पे है, सामने रखा हुआ है, तो यहाँ पे पता करते हैं गाइस। तो गाइस मेरा हेलमेट लेना भी हो गया, तो गाइस मेरा हेलमेट परचेसिंग भी हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको घर चल के। मार्केट गया था तो उसका वीडियो नहीं बन पाया, कैमरा जो है वो बंद था, मेरे साथ वैसे कई बार होता है, ये मेरी गलती है, लेकिन गलतियों से मैं सीखता नहीं हूँ। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, पीछे पापा बैठे हुए हैं हेलमेट लेके, अब उनको पता नहीं है मेरी व्लॉगिंग के बारे में, तो अभी हेलमेट पे मोबाइल देख के बोल रहे थे कि मोबाइल गिरेगा तो नहीं करके, उनको बताया नहीं हूँ मैं। तो गाइज़ मैं पहुँच गया घर, गाइज़ फाइनली मेरा ये हेलमेट आ गया जिसको मैं अभी आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो गाइज़ मैं ये आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये है गाइज बेगा बोल्ट बनी ग्राफिक्स के साथ, ये गाइस यहाँ पे भी बनी लिखा हुआ है विथ स्पॉइलर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्पॉइलर है। तो गाइस ये फिल्म निकाल देते हैं फिर मैं आपको पहन के दिखाता हूँ कैसा लगने वाला है मेरे ऊपर। ये इसका साइन है जो अभी मैंने इसका फिल्म निकाला है। गाइस ये मुझे आया है 1800 रुपये का आया, ये ऑनलाइन आ रहा था 1900 का, 1898 कुछ का था विद डिस्काउंट, और ये मुझे आया डिस्काउंट के साथ 1800 में। मुझे लगा था ऑनलाइन थोड़ा सस्ता आएगा लेकिन नहीं, ऑफलाइन में सस्ता मिल गया और अच्छे प्राइसिंग में मिल गया, ज़्यादा मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, जल्दी मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। तो गाइस ये है फिर मेरा हेलमेट, अब मैं इसी से व्लॉगिंग करने वाला हूँ, पुराना हेलमेट पे नहीं, इस पर फिट हो जाएगा मेरा चेन माउंट, उस पर ढीला हो रहा था। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।